बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 6A चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा वर्कशीट नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 9 पेज 14 पर आ जाइए बच्चों। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एट अ पोस्ट ऑफिस देर आर 3 पार्सल्स ऑफ डिफरेंट मासेस, ठीक है। एक पोस्ट ऑफिस में 3 पार्सल्स रखे हैं, तीनों का डिफरेंट मास है, अलग अलग किलोग्राम्स के हैं। द मास ऑफ द फर्स्ट पार्सल इज वाई ग्राम्स, पहले पार्सल का आपको बता दिया कि उसका वेट है वाई ग्राम्स। द मास ऑफ द सेकंड पार्सल इज 500 ग्राम्स, दूसरे पार्सल का 500 बता दिया, ठीक है, नंबर्स में बता दिया, यहां पर सिर्फ वेरिएबल बताया था। अच्छा, ये 500 ग्राम्स इसका वेट नहीं है, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट पार्सल, यानी कि y प्लस 500 ग्राम्स है सेकेंड पार्सल का वेट, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब मोर देन होता है, और मोर देन का मतलब होता है कि प्लस कर दीजिए जो आगे वाली चीज है, और आगे वाली चीज क्या है, फर्स्ट पार्सल का मास, दैट इज y ग्राम्स। द थर्ड पार्सल इज 210 ग्राम्स लाइटर, लाइटर का मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए देन द फर्स्ट पार्सल, यानी फर्स्ट पार्सल के वेट में से सब्ट्रैक्ट कर दो 210 ग्राम्स, y माइनस 210 ग्राम्स। फाइंड द टोटल मास इन ग्राम्स ऑफ द 3 पार्सल्स इन टर्म्स ऑफ y। पहले आपने वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें इन तीनों के मास को टोटल करना है। द टोटल मास ऑफ द 3 पार्सल्स, उसके बाद इन्होंने टोटल आपको बता दिया कि यानी कि वो जो एक्सप्रेशन बनेगी ना आपकी, उसको आप इक्वेशन में चेंज कर दें और इक्वल्स टू 2 ग्राम्स कर दें। फाइंड द मास ऑफ ईच पार्सल इन ग्राम्स, और उसके बाद फिर तीनों पार्सल्स का फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अलग अलग मास बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो इन्होंने हमें दिया हुआ है, जो गिवन चीजें हैं, वो आपने यहाँ पर जॉट डाउन कर दें। मास ऑफ फर्स्ट पार्सल y ग्राम्स, मास ऑफ सेकेंड पार्सल y प्लस 500 ग्राम्स, चाहे y प्लस 500 का हो या 500 प्लस y का हो, एक ही बात होती है, ठीक है बच्चों। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर चीज बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होना जरूरी है। मास ऑफ थर्ड पार्सल इज 210 ग्राम्स लाइटर देन द फर्स्ट पार्सल, तो इसके अंदर क्या होगा, y माइनस 210, क्योंकि 210 ग्राम्स कम है फर्स्ट पार्सल के मास से, यानी फर्स्ट पार्सल से कम है, तो फर्स्ट पार्सल का क्या मास था, y माइनस 210। आपके अंदर 210 माइनस y नहीं कह सकते, ठीक है बच्चों, हमेशा बाद वाली वैल्यू पहले आती है। उसके बाद जब हमें तीनों का मास पता चल गया, तो हमने सम निकालने के लिए, टोटल के लिए क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया, y प्लस 500 प्लस y माइनस 210। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं y प्लस y आराम से ऐड हो जाएगा, इन तीनों के कोफिशियंट्स 111 ईच, तो आंसर आ गया 3y। 500 माइनस 210 होते हैं 290, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई टोटल मास की, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमसे कहा है द टोटल मास ऑफ द 3 पार्सल्स इज 2 किलोग्राम्स, ऊपर सब कुछ ग्राम्स में बताया था, लेकिन हमसे पूछा इन्होंने किस में है, ग्राम्स में ही पूछा है, और यहां पर किलोग्राम के अंदर हमें बता दिया। तो सबसे पहले हम जो टोटल मास है बच्चों, उसको चेंज कर देंगे 2 ग्राम से 2 किलोग्राम से 2000 ग्राम्स के अंदर, और उसके बाद फिर अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ऊपर हमने इसकी जो एक्सप्रेशन है वो निकाल ली थी कि 3y प्लस 290 हमारे पास टोटल मास की जो है वो एक्सप्रेशन है। अब इसकी इक्वेशन बना लीजिए कि 3y प्लस 290 इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम्स, ठीक है, क्योंकि अब हमें टोटल भी पता चल गया है और इसकी एक्सप्रेशन भी पता चल गई है, इससे हम ये जो y की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ये 290 इसके साथ ऐड हो रहा था, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2000 में से 290 सब्ट्रैक्ट किया, 1710 बचा, ठीक है। उसके बाद यहां पर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y, और उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1710 से बच्चों, ठीक है। हमने इसको यहां पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 570। इसका मतलब है y की जो वैल्यू है वो बराबर है 570 के, और जैसे ही y की वैल्यू बच्चों पता चलेगी, हमने हमारे पास जो ऊपर तीनों मासेस की वैल्यूज हैं वो हमें पता चल जाएंगी। फर्स्ट पार्सल y के इक्वल है तो वो एज इट इज 570 ग्राम्स हो जाएगा, दूसरा पार्सल 500 प्लस y है तो 500 प्लस 570 हो जाएगा, और तीसरा पार्सल y माइनस 210 है तो ये 570 माइनस 210 हो जाएगा, यानी जहां जहां पर y है वहां वहां पर आपने
570 रख देना है, आपके तीनों पार्सल्स के जो मास हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो पहले पार्सल का मास 570 ग्राम्स, दूसरे पार्सल का मास 1070 ग्राम्स और थर्ड पार्सल जो सबसे ज्यादा लाइट है वो 360 ग्राम्स। इन तीनों को ऐड करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है, दैट इज 2000 ग्राम्स जो कि इन्होंने हमें पार्ट बी में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपने आंसर्स को प्रूफ भी कर लिया करो ताकि आपको जो मिस्टेक्स हैं उसका खदशा बाकी ही ना रहे, आप श्योर हो कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। क्योंकि कभी कभी हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कभी कभी हम जल्दबाजी के अंदर अपनी कैलकुलेशंस आगे पीछे कर देते हैं, तो उसको वेरीफाई करने से ये फायदा होता है कि आपकी जो भी सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं होती। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।